नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार के अभ्यर्थी और साथ साथ बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए इंटर लेवल्स की एक वैकेंसी आपकी निकल कर आई है, जिसमें पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब जो नॉर्मल जो वैकेंसी निकलती है उसके मुकाबले आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो टोटल पदों की संख्या है कितनी, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे आपको दिखाई देगा 11,098 करके यहाँ पर टोटल पदों की संख्या है। और ये जो आपके सभी पद हैं, यहाँ पर जितने भी पद हैं उसमें नॉर्मली सभी में इंटर पास अब भी मांगा गया है। यदि आप इंटर पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। कुछ में टाइपिंग भी मांगी गई है। ये वैकेंसी जो निकली है वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है वो निकली है, जिसमें इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जो है निकला है। क्या इसमें बाहर के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो आपसे यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं वो भारतीय नागरिकों से मांगे गए हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो मांगे गए हैं वो सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यानी कि केवल और केवल यहाँ पर बिहार अभ्यर्थियों से ही नहीं, पूरे भारत से आपका आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। तो यानी कि अगर आप किसी अन्य राज्य से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जैसे निम्न वर्गीय लिपिक का पद है, जिसमें विभाग का नाम पथ निर्माण विभाग है, वेतन मान लेवल 2 है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका इंटरमीडिएट या समकक्ष लिखा हुआ है। तकनीकी योग्यता में यहाँ पर देखेंगे तो कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या टंकण आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर इस तरीके से कुल पदों की संख्या आपको जो है वो दी गई है। और इसको एक बात पर आप और ध्यान देंगे, यहाँ पर यह भी बात की गई 35% क्षैतिज आरक्षण जो है महिलाओं के लिए भी यहाँ पर आरक्षित पद को लेकर के किया गया है, जिसमें यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं संख्या, ये आपका 35% आरक्षण के अकॉर्डिंग है आपके जो महिलाओं के हेतु आरक्षित पद हैं। जैसे 15 का आप 35% निकालेंगे तो वही 6 निकलेगा, 4 का निकालेंगे 1, 3 का निकालेंगे दशमलव में आएगा वैसे तो वही नियर बाय आपको वही देखने को वैल्यू मिलेगी। 38 का जैसे निकालेंगे तो आपका वही 13.3 निकल के आएगा, जो कि आपको यहाँ 13 देखने को मिल रहा है। तो ये समझ गए होंगे कि ये पद ऊपर नीचे अलग अलग किस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सेनानी या स्वतंत्रता सेनानी इस तरीके उनके लिए आरक्षण है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसमें आपका किसी प्रकार की अन्य योग्यता नहीं मांगी गई, क्योंकि नॉर्मल जो तकनीकी योग्यता है वो सभी के पास नहीं होगी। लेकिन तकनीकी योग्यता और वांछनीय योग्यता में अंतर है। वांछनीय योग्यता का सीन ऐसा है कि वो आपको कंपलसरी नहीं होती पर आपसे मांगी जाती है, जहां पर आपको एक्स्ट्रा नंबर वगैरह मिलते हैं, पर होनी चाहिए। कारण यह है कि किसी और के पास अगर वो योग्यता है और आपके पास नहीं तो जाहिर सी बात है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसी प्रकार अलग अलग पद हैं, जिसमें आप यहाँ पर साइड में पद देख पाएंगे। 340 पद हैं यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक में, मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग, और साथ साथ कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकण सभी में ही लगभग मांगा गया है। इसी प्रकार 19 पद हैं आपके इसमें, सभी एक एक हम नहीं पढ़ रहे हैं, जिसमें नहीं मांगा गया वो हम बता देंगे। इसके बाद 10 पद हैं आपका गृह विभाग करके है, उसके बाद आपका 20 पद हैं आपके यहाँ श्रम संसाधन विभाग करके, और इसी प्रकार आगे भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे श्रम संसाधन विभाग, तो यहाँ केवल हिंदी टंकण ज्ञान के साथ कंप्यूटर संचालन और टंकण मांगा गया है, कंप्यूटर या वर्ड प्रोसेसिंग इस तरीके की वांछनीय योग्यता इसमें नहीं मांगी गई है। इसी प्रकार 63 पद आपका है जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित है। इसी प्रकार 30 पद आपको यहाँ पर पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित है, और नॉर्मली इंटरमीडिएट या समकक्ष आप देखेंगे सभी में इंटरमीडिएट ही मांगा गया है। 239 पद आपको देखने को मिलेंगे निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित। इसी प्रकार श्रम आयुक्त जो श्रम विभाग है उसमें आपको 54 पद देखने को मिलेंगे, स्वास्थ्य विभाग में 69 पद देखने को मिलेंगे, मंत्रिमंडल जो सचिवालय है वहां पर राजभाषा से संबंधित उसमें 7 पद देखने को मिलेंगे, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय जो आपदा प्रबंधन वाला है ना उसमें 41 पद देखने को मिलेंगे, राजस्व और भूमि सुधार सबसे ज्यादा पद आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आप देखेंगे तो 3,559 पद आपको सबसे ज्यादा यहीं देखने को अभी तक मिल रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे तो केवल और केवल इंटरमीडिएट मांगा गया है, कोई भी टाइपिंग नहीं मांगी गई है, कोई बात ही नहीं की गई कि आपका कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए कुछ भी। तो ये वो पोस्ट है जिसमें आवेदन आप सभी के सभी कर सकते हैं, तो इसको आपको अवश्य आवेदन करना है। आगे और देखते हैं, अब ये देखने वाला होगा जो आवेदन शुरू होंगे उसमें आपको पोस्ट वाइज
प्रेफरेंस वगैरह देनी है या पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है, कैसे क्या होगा। बाकी स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो पोस्ट के लिए कब से आप आवेदन कर पाएंगे, तो आवेदन 27/9/2023 से आपका स्टार्ट होगा और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 11/11/2023 की होगी। अब इस चीज को भी समझिए और कौन कौन से पद इसमें ऐसे हैं, तो पंचायती राज विभाग से संबंधित भी देखिए यहाँ पर 3,532 पद हैं, ये भी बहुत ज्यादा पद हैं। और यहाँ पर आपसे मांगा गया है कंप्यूटर पर टंकण और एमएस ऑफिस का ज्ञान, पर ये वांछनीय योग्यता में है, ये चीज स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, तो ये वांछनीय योग्यता है, पर अगर आपके पास होगा तो पद बहुत ज्यादा है, इसमें आपको अवश्य फिल करना चाहिए। और बाकी नॉर्मल इंटरमीडिएट सब में ही है। पंचायती राज विभाग से संबंधित आपका 504 पद हैं, यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर संचालन और टंकण ज्ञान और इंटरमीडिएट। इसी प्रकार खान और भूतत्व विभाग 58 पद है, परिवहन विभाग आपका 89 पद है, नगर विकास और आपका आवास विभाग जो विभाग है वहां पर 2039 पद, 2000 से भी ज्यादा पद हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे तो केवल और केवल इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकण का ज्ञान मांगा गया है, बाकी अलग से कोई योग्यता नहीं है, नगर विकास और आवास विभाग करके। ऊपर आप देखेंगे तो इसमें भी आपका कोई कंप्यूटर, इसी में साथ में लिख दिया गया कि कंप्यूटर चलाना वगैरह आना चाहिए, स्पेशली कोई योग्यता नहीं मांगी गई है। आगे देखते हैं, और निम्न वर्गीय लिपिक में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तो 238 आपके पद हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग तो 4 ही पद हैं, पशु और मत्स्य जो विभाग है उसमें 12 पद हैं और सहकारिता विभाग में 133 पद हैं। इस प्रकार मिलाकर के टोटल ये पदों की संख्या है 11,098 करके, तो बहुत ज्यादा बड़े पदों की संख्या है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देना है। जैसे सभी जो रिक्तियां हैं वो औपबंधिक हैं, जो घट बढ़ भी सकती हैं, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना है उसकी अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर और उपरोक्त तालिका में जो भी आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दी गई है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। आरक्षण तो आपको ऊपर दिखाए मैंने कि अलग अलग जो कैटेगरी वाइज है वो आपको आरक्षण देखने को मिलेगा। एक चीज ये भी यहाँ पर क्लियर की गई है कि राज्य के अधीन जो सेवाएं उसमें आरक्षण का लाभ केवल केवल राज्य के जो मूल निवासी हैं उनको ही मिलेगा। बाहर के आवेदन कर जरूर सकते हैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, परंतु उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्लियर तरीके से यहाँ पर इस बात को जो है वो लिखा गया है, तो कोई भी डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय स्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर, तिथि और निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित कोटी को लेकर के लिखा है कि ऑनलाइन वगैरह में आप किसी प्रकार का दावा करते हैं, प्रमाण पत्र वगैरह आपके पास होना चाहिए और गलत आरक्षण का आप लाभ नहीं उठा सकते। जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा वो राज्य सरकार द्वारा सक्षम जो अधिकारी है उसके द्वारा ही निर्गत होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र हो चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो, और आपको काउंसलिंग के समय जो है वो ले जाना पड़ेगा। सेम वही चीज आपका पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए और ना कि उनके पति के नाम और पता से, इस चीज को भी यहाँ क्लियर किया गया है। एक चीज यहाँ पर यह भी बताई गई है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही जो है वह उनका मान्य होगा। इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, तो वही सब आरक्षण को लेकर के ही है, ऐसा कुछ ऐसा इसमें और खास नहीं है। आगे बात करते हैं अब सीधे उम्र सीमा की। उम्र सीमा में आप देखेंगे तो आपकी आयु की जो गणना है वो 1 अगस्त 2023 के आधार पर जो है वो की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो और उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वो भी उम्र सीमा के आधार पर जो है सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। मेन आपको वही ध्यान रखना है 1/8/2023। बाकी आरक्षण की बात करते हैं, न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है और अधिकतम जो है आपकी अलग अलग वर्गों के अकॉर्डिंग है। जैसे आरक्षित वर्ग पुरुष के लिए आप देखेंगे तो 37 वर्ष है, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। बाकी अगर कोई 3 साल तक काम कर चुका है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी एज में, वो भी यहाँ बताया गया है। और
बिहार कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित जो भी प्रतियोगिता परीक्षा उसमें सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल की छूट वगैरह की बात भी की गई है। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ₹540 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बिहार के स्थायी निवासी के लिए ₹135 है। ये चीज इन्होंने अच्छी इस बार की है कि चीजें क्लियर तरीके से मेंशन की गई हैं कि बिहार के स्थायी निवासी हैं तो आपको ₹135 पेमेंट करना है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आपका ₹135 है और सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ और सिर्फ बिहार को लेकर बात की गई है, बिहार के जो स्थायी निवासी हैं उन्हीं में सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 है। और अगर आप बिहार के नहीं हैं उस कंडीशन में, आप सामान्य वर्ग में ही काउंट होंगे, तो आपको ₹540 ही पेमेंट करना पड़ेगा। बिहार राज्य के बाहर के जो सभी श्रेणी के अभ्यर्थी या पुरुष हैं उनके लिए क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको ₹540 ही यहाँ पर देना पड़ेगा। इस चीज को यहाँ पर क्लियर लिखा गया है ताकि किसी प्रकार का डाउट जो है वो बाद में ना बने। बाकी पेमेंट वगैरह 27/9/2023 से 9/11/2023 तक जमा किया जा सकेगा। वो तो आवेदन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था। परीक्षा आप कैसी होगी तो वस्तुनिष्ठ होगी, जो मल्टीपल चॉइस वाली होगी। एक चीज उन्होंने ये भी कहा है कि अगर परीक्षा जो है उसमें 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब 40,000 तो नॉर्मली आवेदन ऐसे ही आ जाते हैं तो ये तो परीक्षा फिर होगी ही होगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में भी हो सकती है, ऐसा भी इन्होंने क्लियर किया है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ की होगी, बता चुके हैं। 5 गुना अभ्यर्थी जो है उनको चयन की परीक्षा के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। विषय क्या होंगे प्रारंभिक परीक्षा के, वो एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटेबिलिटी, ये सारी चीजें होंगी। और कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग भी 1 नंबर की होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी और भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका पेपर होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो फिर अंग्रेजी का पेपर ही मान्य होगा। प्रारंभिक सिलेबस यहाँ पर भी दिया गया है परीक्षा को लेकर के कि सामान्य अध्ययन में ये सारी चीजें आएंगी, जिसके अंतर्गत ये भी बताया गया बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर, भारत उसके पड़ोसी देश से क्वेश्चन आएंगे। खंड खा जो है सामान्य विज्ञान और गणित वाला, इसमें मैट्रिक स्तर के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान गणित ये आपका आएगा पोर्शन। फिर खंड गा है जिसमें मानसिक क्षमता जांच से संबंधित है और इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही साथ इसमें अलग अलग यहाँ पर जो टॉपिक है वो भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन से आएंगे। फिर क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के लिखा गया है कि इसमें न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जाति आपका 32, महिला सभी वर्ग 32 और दिव्यांग सभी वर्ग 32। महिला सभी वर्ग ये जो यहाँ लिखा है ये केवल और केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिखा है, इस चीज को ऊपर ही क्लियर किया गया है। ऑनलाइन आवेदन कब से आप कर सकते हैं, 27/9/2023 से आप आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट है 11/11/2023 की। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप जाकर के सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करेंगे। जो भी आपके में नाम लिखा है, अभ्यर्थी का माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ये सब मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र, अंक पत्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी जो आपकी फोटो खींचेगी ऑनलाइन आवेदन करते समय वो लाइव फोटो वेबकैम, जैसे अभी बिहार शिक्षक भर्ती पेपर हुआ है ना, सेम वैसे ही आपको अपलोड जो है वो करनी पड़ेगी। कुछ कुछ बातें जो हैं बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती कराई है उसी से मैच कर रही है यहाँ पर। बाकी जब आप काउंसलिंग वगैरह होगी तो सारे जो भी प्रमाण पत्र, मूल अंक प्रमाण पत्र है वो तो आपको दिखाने होंगे, वही चीज लिखी हुई है। एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो आपका अभ्यर्थियों के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो योग्य माने जाएंगे उन्हीं का ही जारी होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको साइन इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड करने होंगे, इस बात को आप तैयार रखिएगा। और अगर कोई चीज आप गलत भर देते हैं तो सुधार के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा, ये भी बताया गया है। और अगर कोई पेमेंट फेल वगैरह हो जाती है सारी चीजें तो आयोग उसका जिम्मेदार नहीं होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे लास्ट में प्रीव्यू करके आप सारी चीजें एक बार चेक अवश्य कर लें ताकि कोई अगर गलती हो तो आप उसको सुधार लें। एक अभ्यर्थी केवल एक ही का ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक अगर आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, स्वीकृत कर दिया जाएगा। वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज
से जरूर कीजिएगा, क्योंकि भविष्य में अगर कोई आपका कम्युनिकेशन होता है, संवाद होता है, तो यही यूज किया जाएगा। और अगर आप गलत दर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार होंगे, वही लिखा है। जब आप अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट या सेकंड जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में अलग से जो है वो निर्गत नहीं किए जाएंगे। तो जो सारी चीजें फॉर्म भरिएगा उसको सेव करके रखिएगा। विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा पर रूप धारण का प्रयास जो है वो किया जाता रहा, इसलिए बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन या आयरिस कैप्चर वगैरह लिया जा सकता है, ताकि चयन की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक थंब या इम्प्रेशन आयरिस कैप्चर का मिलान जो है वो किया जा सके। साथ ही किसी तरीके की अगर विसंगति पाई जाती है तो भैया क्या कार्रवाई होगा। और ऐसे अभ्यर्थी भी इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे जिनको किसी आयोग ने वंचित कर दिया है। कैसे नकल अकल में पकड़ लिए जाते हैं तो आयोग 3-4 साल के लिए बैन कर देता है, वही चीज बात की गई है। बाद में आपको घोषणा करनी कि मेरे द्वारा सारी चीजें पढ़ी गई वो सही है। अंतिम तिथि यहाँ पर 27/11/2023 रात्रि 11:59 बजे सर्वर टाइम एक आयोग के वेबसाइट पर है, इस पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से आप नहीं भर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी यहाँ क्लियर किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आपका 19/9/2023 को जारी हुआ। यही था हमारे इस अपडेट में। यदि कोई आपका प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। उम्मीद हमने इस तरीके से वीडियो बनाया कि कोई भी प्रश्न वैसे छूटा ना हो। और यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।